जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसका आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन जो है, दो नंबर का क्वेश्चन जो है, जिसमें चार क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम दो का सॉल्यूशन करा चुके थे, आज हम तीसरा देखने वाले हैं जो कि 675। इसमें करना क्या है, वह छोटा संख्या बताना है जिससे कि इसको गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाए, क्योंकि यह अभी पूर्ण घन नहीं है, ठीक ना। तो कहता है ऐसा कौन सा चीज से इसको गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या चीज से गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, 675 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों नहीं कटेगा, लास्ट है 5 है, 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करने का नियम क्या, सबको जोड़ो, जोड़ के यदि तीन का तीन में आया तो ये आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। 7 6 13 13 5 18, 18 तीन से कटता है ना, ये भी कटेगा, लगाओ तीन से, 3 2 6 225, 3 2 6 एक बचेगा, 1 5 15, 3 5 15 ये कटेगा तीन से, 2 2 4 5 9 ये भी कटेगा तीन से, 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, 7 5 12 ये भी तीन से कटेगा, 3 2 6 2 5, 3 5 15, अब ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 25, 5 बार में। यहाँ हम लिख सकते हैं 675 इक्वल 3 × 3 2 × 5, 1 2 3, 1 2, और ट्रिपलेट कीजिए, ट्रिपल का पेड़ बनाइए, 5 3 × है क्या, नहीं, तो 3 5 × 3 बनाने के लिए कितने 5 की जरूरत है, एक। अभी संख्या बराबर कितना हो गया, एक, अभी संख्या बराबर एक, अभी संख्या बराबर एक, यानी 5 हो जाएगा, यानी कि यदि इसको 5 से गुना करेंगे ना, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 का पेड़ चलता है, यहाँ 2 ही है। इसका अगला देखते हैं, 4 नंबर, 4 क्या दिया गया, 432, 432 क्या लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, लगाओ 2 से, 2 से 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 54 बार में 2 से कटेगा, 27 बार में, 3 से कटेगा ये 9 बार में, 3 से कटेगा ये 3 बार में, अब नहीं कटेगा, लिखेंगे 432 इक्वल 4 × 2 3 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 पेयर बनाओ, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, 1 × 2 बच गया। अब जो इसको 3 × 2 पुराने के लिए कितना 2 कम है, 2 × 2 कमी है, यदि इसको 2 × 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 432 क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अभीष्ट संख्या बराबर 1 × 2 है, 2 × 2 की कमी है ना, लो 2 × 2 कमी वाला यहाँ देंगे, 2 × 4, 4 से गुना करेंगे इसको क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, 3 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, अपोजिट यानी उल्टा। उल्टा क्यों है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह छोटी संख्या निकालो जिससे इसको गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए, मतलब यह पूर्ण घन नहीं है, कोई छोटा संख्या बताओ जिससे इसको गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि वह छोटी संख्या बताओ जिससे इसको भाग करने पर, यानी कि ऐसा कौन सा संख्या होगा जिससे यदि इसको भाग लगा दिया जाए ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, मतलब अभी पूर्ण घन नहीं है। आइए देखते हैं, तो रूल पूरा वही रहेगा, 256 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, 2 से लगेगा 128 बार में, 2 से 64 बार में, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इतना आएगा। अब लिख सकते हैं हम 256 इक्वल क्या का 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, आठ। अब क्या करेंगे, पेड़ बनाएंगे, तीन का पेड़ बन गया, यहाँ भी तीन का पेड़ बन गया, ठीक। इसमें रूल क्या है, गुना बराबर क्या किया, जितना कमी देखे थे वो था अधिक संख्या, यानी वही आंसर होता, ठीक ना, वही क्या होता है आंसर। लेकिन यहाँ पर जो कमी नहीं देखना है, जो बच गया एक्स्ट्रा वो होगा आंसर। क्या बच गया, दो को दो बच गया ना, दो को दो बच गया, मतलब यही हो गया आंसर, यानी दो गुना दो बच गया, दो ना कितना होता है चार। यानी कि यदि 256 में चार से भाग लगा दिया जाए तो 256 क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो अभी 256 पूर्ण घन नहीं है, गुना में क्या था, जो कमी था वो देखे थे, यहाँ जो बच जाएगा वो देखेंगे। अगला जैसे इसमें दिया है 31-25 लास्ट है पांच है दोस्तों, नहीं है कटेगा, इतना कन्फर्म है, चेक कर दे पांच से, सॉरी तीन से कटने का नियम सबको जोड़ो, तीन एक चार, चार दो छो, छो पांच ग्यारह, ग्यारह तीन का तीन बने आता है, तीन से नहीं कटेगा, दो से नहीं कटा, चार से भी नहीं कटेगा, पांच से लगाओ, लास्ट में पांच है पांच से कटेगा, पांच छा के तीस, एक बचा एक पर दो बारह, पांच दुना दस, दो पर पांच पच्चीस, पांच एक पच्चीस, 625 वर्ग में, पांच से कटेगा ये 125 वर्ग में, पांच से कटेगा 125 25 वर्ग में, अब पांच से कटेगा 25 पांच बार में, पांच लिख सकते हैं, 3125 इक्वल एक दो तीन चार पांच, तीन का पेड़ बन गया, ये बच गया ना, जो बच गया वही हो गया हमारा अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या क्या बच गया, पांच गुना पांच, पांच गुना पांच कितना होता है 25। यदि 3125 को 25 से भाग दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। इतना नोट करो, आगे देखते हैं। 192 अगला दिया गया इसमें 42 1408 ये देखते हैं इसको, दो से कटेगा सात और दूसरे 14, जीरो का जीरो, दो चौक आठ, दो से जो कटेगा ये कितना बार में, तो दो तियाई छः, एक पर जीरो दस, दो पंच दस, दो न चार, फिर दो से कटेगा, दो एकम दो, एक पर पांच पंद्रह, दो सत्य 14, दो छः के 12, दो अठे 16, एक पर छो आठ, दो अठे 16, दो से कटेगा चार बार में, दो से 22 बार में, और दो से 11 बार में, 11 एक अभाज्य संख्या है तो ये यहीं रुक जाएगा। देख सकते हैं 1408 इक्वल क्या को दो आया, तीन, तीन छो सात को दो आया है, एक दो तीन चार पांच छ सात गुना 11 आया है, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, और ये बच गया, जो बच गया यदि उसी चीज से हम इसको क्या करें भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। अभीष्ट संख्या बराबर क्या, दो गुना ग्यारह 22, 22 से इसको भाग देंगे क्या बन जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। अगला देखते हैं चार नंबर, चार नंबर क्या दिया है 192 लगाएंगे, दो से कितना में लगेगा, लास्ट में दो है दोस्तों, लगेगा ये दो नवा 18, एक बचा एक पर छो 12, दो छह के 12, लगेगा दो से, दो चौके 8, एक बचा एक पर छो 16, दो अठे 16, दो दूना 4, दो चौके 8, दो एकम दो, दो दूना 4, दो छह के 12, दो तिया 6, लिख सकते हैं इसको 192 इक्वल तीन तीन छो, एक दो तीन चार पांच छ एक तीन, ये लग गया पेयर, ये भी लग गया पेयर, ये बच गया, और इससे इसको भाग देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर तीन,
ये क्या हो गया आंसर, इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके कर्मागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। देखते हैं इसमें क्या दिया। फोर नंबर, फोर का पहला है दो का क्यूब। इसको कहता है कि विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, क्योंकि कर्मागत, कर्मागत का मतलब था लगातार, लगातार मतलब हुआ जैसे एक विषम संख्या है, तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, ये क्या यही है कर्मागत विषम संख्या, मतलब लगातार होना चाहिए। और कहीं से लिखा है तीन, तीन विषम संख्या, सात की विषम संख्या है, नौ ग्यारह सत्रह उन्नीस तेईस, ये सब विषम संख्या, लेकिन ये लगातार नहीं है। तीन के बाद ये पांच होता, होता ना, तब सात, तब नौ ग्यारह तेरह होता, फिर पंद्रह होता, तब सत्रह उन्नीस होता, फिर इक्कीस होता, ये लगातार नहीं है। लगातार मतलब हुआ कि बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। कहे से स्टार्ट करें, जैसे मान के चलो स्टार्ट करिए तेरह से, तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस, पांच लगातार विषम संख्या, पांच लगातार विषम संख्या, इसी को कहते हैं कर्मागत, इसी को कहते कर्मागत, उसी रूप में इसको लिखना है। तो दो पर तीन मतलब दो गुना दो गुना दो, कितना दो दुना चार, चार गुना आठ, आठ हो गया। अब इसको क्या करना है, आठ को लिखना है हमको विषम संख्या के योग के रूप में, ठीक ना। आठ को किसमें लिखना है, विषम संख्याओं के योग के रूप में आठ को लिखना है। ये बीच में ना लंबा हो रहा है, ठीक ना। एक काम करो, दो क्यूब बराबर रफ में कहीं गुना कर लो, कितना होगा दो गुना दो गुना दो, आठ हुआ था आठ। अब इसको देखो, यदि हम एक प्लस तीन प्लस पांच करेंगे कितना होगा, पांच तीन आठ एक नौ, नहीं हुआ। यदि एक को हटा दिया जाए, तीन प्लस पांच कितना हो गया आठ, थ्री प्लस फाइव इसको लिख सकते हैं। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, दोनों लगातार है ना। तीन के बाद पांच ही आएगा, तीन के बाद क्या आएगा पांच ही आएगा। अगला जैसे देखते हैं, अगला दिया गया है अगला चार का क्यूब, चार का क्यूब, चार का क्यूब कितना होगा, चार गुना चार गुना चार, चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ। और दिमाग लगाओ कि चौसठ जो है कौन सा, कौन कौन सा विषम संख्या जोड़ेंगे चौसठ पूर जाएगा, ठीक ना। इसका प्लस इसका ट्रिक है, ठीक ना। ट्रिक क्या है, तो यार ट्रिक देखते हैं। ट्रिक दो का क्यूब बराबर आठ, आठ को यदि थ्री प्लस फाइव जोड़ेंगे आठ पुट जाता है। तीन दो के बाद क्या होता है, तीन, तीन का क्यूब बराबर होता है सत्ताईस। इसमें देखो ये पांच में खत्म हुआ ना, इसका अगला विषम संख्या क्या होगा सात, सात से स्टार्ट करो, सात प्लस नौ प्लस ग्यारह, देखो सत्ताईस पुट जाएगा। ये दूर या तीन लो, ग्यारह नौ बीस, बीस सात सत्ताईस। और चार का क्यूब देखो, ये ग्यारह खत्म हुआ और चार का क्यूब चौसठ, ये क्या खत्म हुआ ग्यारह पे तेरह से लो, यहाँ दो गोलिया, यहाँ तीन गोलिया, चार गो लो, तेरह प्लस पंद्रह प्लस सत्रह प्लस उन्नीस, जोड़ो सबको, देखते हैं पुरता है। नौ सात सोलह, सोलह पाँच इक्कीस, इक्कीस चार चौबीस के चार हासिल दो, एक दो तीन चार दो छो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, पांच का क्यूब, पांच का क्यूब होता है एक सौ पच्चीस। ये उन्नीस पे खत्म हुआ ना, कब खत्म हुआ उन्नीस, इसके बाद क्या आएगा इक्कीस, इक्कीस से ले लो पांच गो, पांच का क्यूब पांच गो, इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस उन्तीस, चेक करो। नौ सात सोलह, सोलह पाँच इक्कीस, इक्कीस तीन चौबीस, चौबीस एक पच्चीस के पाँच हासिल दो, दो चार छ आठ दस दो बारह आ गया ना। इसी तरह ये ट्रिक चलता है, ठीक। चार का पूछा है, चार का क्या लिखे हैं, तेरह से तेरह प्लस पंद्रह प्लस सत्रह प्लस उन्नीस। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है, अगला कर रहा है पांच का क्यूब,
पांच का क्यूब भी बता चुका हूँ ट्रिक में, पांच का क्यूब होता है 125, इसके बाद पांच को जोड़ दो, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, ये सभी क्या है विषम संख्या और लगातार है। 21 के बाद 23 ही आएगा, उसमें 25 आएगा, फिर 27 आएगा, लास्ट इसका दिया गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 8 ही, 8 को गुना करो 3 बार, 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 64 को 8 से गुना करो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 48 3 51, 512 आएगा। 8 का ट्रिक देखते हैं, 8 में ये पता गया 8 को आएगा, 8 का क्यूब पूछा तो 8 को आएगा, उसके लिए पूरा लगातार चलना पड़ेगा। 6 का क्यूब आएगा 6 4 36, 36 6 के 216, 6 × 6 × 6 = 36, 36 को गुना करो 6 से, 36 के 6 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 21, 216। अब क्या करेंगे, 29 पे खत्म हुआ ना, 31 से लेंगे क्या गो, 31 से लेंगे हम 6 गो, 31 33 35 37 39, 1 2 3 4 5 41, चेक करो आता है इतना, 9 1 10 7 17 5 22 3 25 26 32, 26 के 6 हासिल 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 19 2 21, ठीक है ये। अब क्या करें, 7 का क्यूब जब लगातार चलेगा ना निकल जाएगा, 7 का क्यूब तुमको होगा 7 × 7 × 7 करो, 7 × 7 = 49, 49 को गुना करो 7 से, 63 के 3 हासिल 6 7 × 28 = 34, 343, 41 पे खत्म हुआ है इसका, अगला 43 आएगा, 43 से लेंगे 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा ही आएगा, कंफर्म है ठीक है ना, जोड़ के चेक कर दो, 5 3 8 8 1 9 9 9 18 18 7 25 25 5 30 30 3 33 3 हासिल 3 4 4 8 4 12 4 16 5 21 21 5 26 5 31 31 3 34, पुर गया ना, शुरू से जब ट्रिक लेके चलेगा बन जाएगा आसानी से। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है कितना, 512, अब 512 55 पे खत्म हुआ, यहाँ से लेंगे 8 को, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक यानी कि 57 से 71 रहेगा, 57 + 59 + 61 + 63 + 65 क्या होगा, 1 2 3 4 5 67 + 69 1 2 3 4 5 6 7 71, ये पूरा हो गया। इसी के साथ जो क्या हो गया, यह चैप्टर भी, चैप्टर तो नहीं है प्रश्नावली एंड एक्सरसाइज भी द एंड हो गया। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।